हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम नेट म्यूज़िक का पेपर सोल्व करेंगे। ये पेपर थर्ड है जो कि दिसंबर 2014 में हुआ था। इसमें 75 क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व संगीत दिन कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 1 अक्टूबर, 21 जून या फिर 21 सितंबर। तो राइट आंसर है 21 जून। कौन सी शिक्षा सामवेद से संबंधित नहीं है? नारद शिक्षा, याज्ञ वल्क्य शिक्षा, गौतमी शिक्षा, लोमेशी शिक्षा। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। किस काल में गुरु शिष्य के यहाँ शिक्षा प्रदान करने गए? वैदिक काल में, पुराण काल में, महाभारत काल में या फिर रामायण काल में? तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है, रामायण काल में। कौन सा वाद्य सर्वाधिक गंभीर है? वीणा, सितार, सरोद या फिर गिटार? तो आपका राइट आंसर है वीणा, फर्स्ट ऑप्शन। राग पिल्लू किस रस के अधिक निकट है? वीर रस, अद्भुत करुण रस, भयानक रस? तो करुण रस इसका राइट आंसर है। संगीत रत्नाकर में कितने गमकों का वर्णन है? 5, 10, 15 या फिर 20? तो 15 इसका राइट आंसर है। रस की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दी गई है? नारदीय शिक्षा, नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर या फिर ब्रह्मदेशिक? तो नाट्यशास्त्र इसका राइट आंसर है। जैसा कि आपको पता है, नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया और इसमें रस के बारे में उल्लेख किया गया है। 8th क्वेश्चन, मध्यम ग्राम से कितनी शुद्ध जातियों की रचना हुई? 4, 3, 2 या फिर 5? तो इसका राइट जो आंसर है वो है आपका 3। इनके नाम बता दूं मैं आपको, गंधारी, मध्यमा, पंचमी। ये 3 मध्यम ग्राम से जो शुद्ध जातियाँ बनी आपकी, ये 3 हैं, गंधारी, मध्यमा और पंचमी। मध्यम ग्राम की जो विकृत जातियाँ हैं वो है 8, यानी कि 3 शुद्ध और 8 विकृत। विरुद्ध किस गायन शैली का अंग है? धमार, ठुमरी, ख्याल, प्रबंध। तो विरुद्ध जो है प्रबंध गायन शैली का एक अंग है। जैसे कि आपको पता है कि प्रबंध के कुल 6 अंग माने गए हैं। इष्ट संवाद के लिए कौन सा अनुपात होना जरूरी है? 3:4, 4:5, 5:6 या फिर 5:8? तो इसका राइट आंसर है 3:4, फर्स्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा स्वर सप्तक भारतीय सच्चे स्वर की दृष्टि से बेसुरा है? डायटोनिक स्केल, नेचुरल स्केल, टेम्पर्ड स्केल या फिर इक्वली टेम्पर्ड स्केल? तो इक्वली टेम्पर्ड स्केल इसका राइट आंसर है। मृत्युपरांत किसी विद्वान के सम्मान में प्रकाशित ग्रंथ को क्या कहते हैं? संदर्भ ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, अभिनंदन ग्रंथ या फिर विशेष ग्रंथ? तो इसका राइट आंसर है स्मृति ग्रंथ, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। कौन सी पुस्तक पुस्तकालय में संदर्भ ग्रंथ विभाग में नहीं रखी जाती? शब्दकोश, इंसाइक्लोपीडिया, हस्तलिखित ग्रंथ या फिर सहायक पुस्तक? तो सहायक पुस्तक इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तीजनबाई ने किस लोक विधा में प्रसिद्धि प्राप्त की? बुहाग बिहू, पंडवानी, टपाली या फिर रोफ? तो इसका राइट आंसर है पंडवानी। इससे संबंधित क्वेश्चन 2019 में भी नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कथानक पर आधारित ये यक्ष ज्ञान नामक नृत्य किस प्रदेश का है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर बंगाल? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? G.H. रानाडे, सर जोन्स, पंडित निखिल जोश या फिर P.साम मूर्ति? तो इसका राइट आंसर है पंडित निखिल जोश। हवेली संगीत किस संप्रदाय के अंतर्गत गाया जाता है? सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, निवारक संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय? तो इसका राइट आंसर है वल्लभ संप्रदाय। निम्नलिखित हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक रागों में से सही कोट का चयन करना है? तो ये आपको हिंदुस्तानी जो आपके रागों के नाम है वो दिए हुए हैं, इसको कर्नाटक संगीत के रागों, जो कर्नाटक संगीत में इसके समकक्ष राग हैं वो बताना है आपको। तो भैरव, माया मालव गोड, पूर्वी जो है कामवर्धनी, मारवा गमनप्रिया और तोड़ी जो है शुभपंतु वराली। तो इसका राइट होगा ऑप्शन फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक क्रम सही है? देखते हैं सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है। ध्रुवा, प्रबंध, ख्याल, ध्रुपद। तो
सबसे पहले आपका फर्स्ट ध्रुवा प्रबंध ध्रुपद ख्याल का आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 20th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को हमें सुमेलित करना है, शिव सरस्वती कृष्ण गणेश, तो बताना है इनका किस वाद्य से संबंध है। शिव का जो है वो डमरू वाद्य से, सरस्वती वीणा, कृष्ण का बांसुरी से और गणेश जी का मृदंग से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आपका फर्स्ट। राग की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में है, नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, नाट्य शिक्षा या फिर बृहदेशी। तो बृहदेशी में सबसे पहले राग शब्द के बारे में चर्चा की गई है। 22nd क्वेश्चन, कौन से माध्यम में ध्वनि की गति सबसे तेज है, वायु, धातु, काष्ठ या फिर जल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वायु। ध्रुपद का प्राचीन स्वरूप आज भी कहाँ सुश्राव्य है, शैव मंदिरों में, शाक्त मंदिरों में, पुष्टि मार्गीय वैष्णव मंदिरों में यानी कि हवेली संगीत में या फिर भैरव मंदिरों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड। भारतीय रागों में प्रधानता है मनोरंजन के, व्यायाम के, अध्यात्म की या फिर आराम की। तो अध्यात्म इसका राइट आंसर होगा। मेलपत्ति को सूत्रबद्ध करने वाला प्रथम लक्षणकार, वेंकटमुखी, अहोबल, सोमनाथ या फिर वितारण्य। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। खंड जाति अटताल किसके सम्मान है, तो ये जो खंड जाति अड़ताल है ये आपकी आड़ा चौताल के समान है, क्योंकि जो खंड जाति अड़ताल है, खंड जाति में जो आपकी अड़ताल है ये 14 मात्रा की ताल है। शुद्ध सवेरी किसके समान है, दुर्गा के, जोग्या के, जोग के या फिर विभास के। तो इसका राइट आंसर है दुर्गा। अधम कुटप्पा को डैश भी कहा जाता है, वृंद, लक्षणा, तट, कुटप्पा, मुख, गीता या फिर कनिष्ठका। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है कनिष्ठका। पदवर्ण किसमें प्रचलित है, शास्त्रीय नृत्य में, संगीत में, नृत्य नाटक में या फिर गे नाटक में। तो शास्त्रीय नृत्य इसका राइट आंसर है। त्यागराज की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में रचित है, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत या फिर मलयालम। तो तेलुगु इसका राइट आंसर है। पंचमुख वाद्य कहाँ देखे जा सकते हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति वेंकटेश्वर, कुंभकोणम कुंभेश्वर स्वामी या फिर चिदंबरम नटराज मंदिर। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। प्राचीन भारत में जल तरंग को क्या कहा जाता था, महती, नकुल, उड़क वाद्यम या फिर काष्ठ तरंग। तो इसका राइट आंसर है उड़क वाद्यम। श्रुति तथा मेलोडी का संयोग, गमक, काकू, स्थाई या फिर अनुस्वर। तो आपका जो बी ऑप्शन है काकू राइट है। संहिता किसमें पाई जाती है, सामवेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में या फिर अर्थवेद में। तो आपका सामवेद जो है वो राइट आंसर है। महात्मा गांधी के हरिजन प्रथा उन्मूलन आंदोलन के समर्थन में रविंद्रनाथ ने किस नृत्य नाट्य की रचना की थी, श्याम मोचन, चंडालिका, श्यामा या फिर नटीर पूजा। तो इसका राइट आंसर है चंडालिका बी ऑप्शन। रविंद्रनाथ ने किस अवसर पर जय हो तबो जय हो गान की रचना की थी, बंकिम चंद्र के सम्मान में, जगदीश चंद्र बोस के सम्मान में, चित्रंजन दास के सम्मान में या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक स्तर में। तो इसका राइट आंसर है जगदीश चंद्र बोस के सम्मान में। 37th क्वेश्चन, टैगोर रचित किस प्रकार के गीतों को पर्यावरण परक गीतों की कोटि में रखा जाता है, पूजा, विचित्र, प्रेम या फिर प्रकृति। तो इसका राइट आंसर है प्रकृति। टैगोर ने किस वर्ष नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया, 1918 में, 1919 में, 1929 में या फिर 1930 में। तो 1919 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस रचना का सृजन टैगोर ने नहीं किया था, शाम रक्त कर भी, काल मृग्या या फिर माया मृग्या। तो माया मृग्या इसका राइट आंसर है। आकार मात्रिक स्वरलिपि पत्ति के अनुसार पुनरावृत्ति का चिन्ह किसके समान होता है, तो आपका इसमें थर्ड ऑप्शन राइट है। लखनऊ घराने के खलीफा थे, उस्ताद मुन्ने खां, उस्ताद आबिद हुसैन खां, मोदू खां या फिर बख्शू खां। तो आबिद हुसैन खां इसका राइट आंसर है। उस्ताद जहांगीर खां किस घराने से संबंधित है, लखनऊ, फरुखाबाद, दिल्ली या फिर अजराड़ा। तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। कौन से राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक हैं, जो तबला वादक के साथ साथ तार वादक में भी प्रवीण है, पंडित नयन जोश, पंडित विक्रम जोश, पंडित अनिंदो चटर्जी, पंडित कुमार बोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पंडित नयन घोष। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार पंजाब घराने से संबंधित है, सुखविंदर सिंह, पंडित लक्ष्मण सिंह, जगदेव सिंह या फिर पंडित मोहन लाल। तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मण सिंह, सेकेंड ऑप्शन।
अभिनव तालमंजरी के लेखक है अप्पा तुलसी काशीनाथ भातखंडे स्वामी पागलदास या फिर भगवान दास, तो इसका राइट आंसर है अप्पा तुलसी काशीनाथ। चैती गायन के साथ किस ताल का वादन होता है, झपताल, कहरवा, देवचंदी या फिर जत, तो देवचंदी इसका राइट आंसर है। वैदिक शिक्षण पद्धति में 48 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता था, आदित्य, बसु, स्नातकोत्तर या फिर स्नातक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आदित्य। बाएं हाथ से तबला बजाने वाले ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, स्वपन चौधरी, कुमार बोस, अनिंदो चटर्जी या फिर अकरम खां, तो इसका राइट आंसर है वो है आपका पंडित कुमार बोस। तबला वादक निम्नलिखित वैज्ञानिक उपकरणों में किसी एक का प्रयोग नहीं करते हैं, लहरा यानी कि नगमा, तानपुरा, ट्यूनर या फिर ऑक्टोपैड, तो ऑक्टोपैड इसका राइट आंसर है। तबले का एक ही प्रकार धामा किस राज्य में बसता है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश, तो पंजाब इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सितार वादक नहीं है, मार्क लेवी, एलेन माइनर, स्टीफन स्लाविक या फिर पैट्रिक मुटाल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एलेन माइनर। निम्न में से कौन सौंदर्य शास्त्री नहीं है, क्रोचे, कोलिंगवुड, डुकासे, बोनी सी वड़े, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कोलिंगवुड। प्रतिध्वनि का मुख्य आधार है ध्वनि आवर्तन, ध्वनि का परावर्तन और ध्वनि विवर्तन, ध्वनि का व्यतिकरण, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ध्वनि विवर्तन, थर्ड ऑप्शन। इनमें से कौन सा राग भातखंडे प्रणीत आधुनिक थाटपत्ति में शामिल नहीं किया जा सकता है, गोपिका बसंत, सोरठ, नीलांबरी, मधुवंती, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गोपिका बसंत। स्टडीज इन इंडियन म्यूजिक एंड अलाइड आर्ट्स 5 भागों में किसके द्वारा लिखी गई है, पद्मा अय्यर, लीला ओमचौरी, इंद्राणी चक्रवर्ती या फिर प्रेमलता शर्मा, तो इसका राइट आंसर है इंद्राणी चक्रवर्ती। ठाकुर जयदेव सिंह की मृत्यु का वर्ष है 26 मई 1986, 27 जून 1986, तो 26 जून 1986 राइट आंसर है। इनमें से कौन सा घटक लोक संगीत से महत्व नहीं रखता है, मौखिक परंपरा, प्रांजल भाषा या शिष्ट भाषा, सांघिक पुनर्निर्माण, सम्मिश्र प्रेरणा, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका फोर्थ। आधुनिक ठाट राग वर्गीकरण का बीजारोपण कौन से ग्रंथ में किया गया है, राग विबोध, राग मंजरी, रागमाला या फिर राग तरंगनी, तो राग तरंगनी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन फोर्थ है जो आपका। 59 क्वेश्चन, प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के लेखन में किस सामग्री का विकास भारत में नहीं हुआ है, तो फर्स्ट है आपका ताड़पत्र, भुर्जपत्र, ताम्रपत्र और कागज, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है ताड़पत्र। किसी ग्रंथ या हस्त लिखित ग्रंथ पर शोध कार्य किस प्रकार का शोध कहलाता है, वैज्ञानिक, प्रयोगात्मक, ऐतिहासिक या फिर सर्वेक्षणात्मक, तो प्रयोगात्मक इसका राइट आंसर है। शोध कार्य में प्रथमतः अनिवार्य चरण क्या है, रूपरेखा, दत्त संकलन, समस्या का चयन या फिर आंकड़ा चयन, तो इसका राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट, रूपरेखा। आश्रम शिक्षा प्रणाली में आचार्य शिष्य का कौन सा संस्कार करते थे, जातक्रम, उपनयन, कर्णभेद या फिर अनाप्राशन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट, जातक्रम। ध्रुवा गीतियों के गायन का प्रयोजन क्या था, मनोरंजन, देवाराधन, सामाजिक उत्सव या फिर व्यवसायिक कार्य, तो इसका राइट आंसर है देवाराधन। गुरुवाणी के आदि गायक कौन है, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या फिर गुरु गोविंद सिंह, तो इसका राइट आंसर है गुरु नानक देव। 65 क्वेश्चन, ध्वनि का निर्माण, प्रसारण एवं ग्रहण करने के संबंध में हेल्म होल्स नामक जर्मन लेखक ने अपने किस पुस्तक में महत्वपूर्ण मत प्रमाणित किया, साइंस एंड म्यूजिक, द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी, सेंसेशन ऑफ टोन, द म्यूजिक ऑफ इंडिया, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका साइंस एंड म्यूजिक, फर्स्ट ऑप्शन है। सोर्सेज ऑफ म्यूजिक के लेखक कौन है, विलियम पोले, एरिक ब्लूम, वासुदेव शरण, सीपी श्रीनिवास, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका एरिक ब्लूम। 67 क्वेश्चन देखेंगे, लिपिकार, अनलिपिकार, प्रकाशक, संपादक, तो इसको एक सही क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले होता है आपका संपादक, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा प्रकाशक, लिपिकार, अनुलिपिकार। 68 क्वेश्चन, कौन से युवा संगीतज्ञ ने पाश्चात्य संगीत के मिश्रण से संगीत रचनाएं प्रस्तुत नहीं की, राहुल शर्मा, नीलाद्री कुमार, ब्रजनारायण, अभिजीत पोनकर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राहुल शर्मा, फर्स्ट ऑप्शन।
कौन सा राग कल्याण अंग से मेल नहीं खाता? श्याम कल्याण, शुद्ध कल्याण, गोरख कल्याण, पूर्या कल्याण। तो इसका राइट आंसर है आपका पूर्या कल्याण, फोर्थ ऑप्शन। भावरंग किस गायक का उपनाम है? पंडित रामाश्रेज है अझा, पंडित ओमकाना ठाकुर, पंडित बलवंत राय भट्ट, डॉक्टर प्रदीप दीक्षित। तो इसका राइट आंसर है बलवंत राय भट्ट। सहस्रस नामक ग्रंथ के संपादक का नाम क्या है? डॉक्टर सुभद्रा कुमारी चौहान, डॉक्टर प्रेमिता शर्मा, डॉक्टर स्वतंत्र बाला शर्मा, डॉक्टर लवली शर्मा। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर प्रेमिता शर्मा। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स कहाँ स्थित है? पुणे में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर बेंगलुरु में? तो इसका राइट आंसर है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन। पूर्वांग भैरव तथा उत्तरांग भैरवी के स्वर किस राग में लगते हैं? तो नट भैरव, अहिर भैरव, बसंत मुखारी, कोमल ऋषभ, असावरी। तो अहिर भैरव इसका राइट आंसर है। किस मूर्धन्य गायक के समन्वय सन 2014 में पुनः डाक टिकट जारी किया गया? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, गंगूबाई हंगल, कुमार गंधर्व या फिर पंडित जसराज जी? तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है, पंडित कुमार गंधर्व। 75 क्वेश्चन, इसमें भी कथन दिया हुआ है और तर्क दिया हुआ है। तो सामवेद का संगीत भारत के इतिहास का प्रथम भक्ति संगीत होने का अधिकारी है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और तर्क की बात करें, क्योंकि यज्ञों में सामगान का जो प्रयोग है देवताओं की स्तुति के लिए किया जाता था, जहाँ तक आर भी हमारा ठीक है, यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों ही सही हैं। तो इसका इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा, ठीक है। थैंक यू, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।